बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। आज हम झींगा कढ़ाई बनाएंगे। झींगा कढ़ाई बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत आसान है बनाना। आप भी बनाकर खाएं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सबसे पहले हम कढ़ाई में कुकिंग ऑयल डालेंगे आधा कप के बराबर, और इसमें दो बड़े साइज़ का प्याज बारीक कटा हुआ डालेंगे। इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाना ना भूलें। गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। ये देखें गोल्डन हो चुका है। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। दो चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और इसे थोड़ा सा और भुनेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। ये एक किलो झींगा लेकर हम अच्छी तरह से इसका नस निकाल के देखें धो लिए थे। अब इसमें डालेंगे, इसे थोड़ा फ्राई करेंगे। अब इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और एक चम्मच कुटी लाल मिर्च डालेंगे। और एक चम्मच धनिया पाउडर और एक चम्मच जीरा पाउडर और एक चौथाई चम्मच काली मिर्च पाउडर और आधा चम्मच नमक और शान का कढ़ाई मसाला एक चम्मच डालेंगे। इससे इसका जायका बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत ही मज़े का लगता है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये बनाना बहुत आसान है, बहुत ही चटपटा बनता है, आप बनाकर खाएं। अब इसे इसी तरह से फ्राई करेंगे, मसाले के साथ भुनेंगे खूब। अब इसमें तीन टमाटर का पेस्ट डालेंगे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसमें हरी मिर्च डालेंगे, सात आठ हरी मिर्च। इसी तरह से भूनते हुए इसे पकाएंगे। देखें तैयार हो चुका है झींगा कढ़ाई। अब इसे डिश आउट करेंगे। देखें कितने मज़े का लग रहा है। इसे आप पराठे के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, दाल चावल के साथ खाएं, बहुत ही मज़े का लगेगा। आप भी बनाएं, खाएं, खुश रहें, आबाद रहें। हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। थोड़ा सा हरी धनिया डालेंगे ऊपर से। और थोड़ा सा अदरक डालेंगे बारीक कटा हुआ। और नींबू निचोड़ के आप इसमें खाएं, बहुत ही मज़े का लगेगा। ये देखें झींगा कढ़ाई तैयार है। अल्लाह हाफिज़।